ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इन दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस है ये दोनों को अलग करती है, इसे स्टैटिक वेबसाइट हम कहते हैं या फिर हम डायनेमिक वेबसाइट से किसी वेबसाइट को बोलते हैं, तो ऐसा दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वेबसाइट होती क्या है। तो व्हाट इज़ वेबसाइट? वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड वेब पेज दैट मे कंटेन टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। तो मतलब क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट होती है वो कलेक्शन ऑफ पेज है, तो बहुत सारे जो पेज होते हैं वेब पेजेस को मिला के हम वेबसाइट कहते हैं, 2 से 3-4 पेजों को हम मिला के वेबसाइट को कहते हैं, उसका नाम वेबसाइट बोलते हैं। अब उसके उस पेज के अंदर कलेक्शन मतलब कंटेंट होते हैं, टेक्स्ट जैसे इमेज हो गया, ऑडियोज हो गई, वीडियोज हो गई, पैराग्राफ्स हो गए, इस तरह के अलग अलग चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं एक पेज के अंदर। द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इज़ कॉल्ड टू होम पेज। जो वेबसाइट का पहला पेज होता है वो उसे हम होम पेज कहते हैं। और वेबसाइट हैज़ स्पेसिफिक इंटरनेट एड्रेस यूआरएल दैट यू नीड टू इंटर योर ब्राउज़र टू एक्सेस अ वेबसाइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट को जब हम सर्च करते हैं, किसी भी पेज पे हम जाना चाहते हैं, तो उसका एक यूआरएल पेज होता है, यूआरएल होता है उसका लिंक होता है, तो उसका अलग अलग हमारे पास इंटरनेट पे हम उसे जब सर्च करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस होता है, तो उस पर हम जाके सर्च करते हैं। तो ये तो हो गई बात अब वेबसाइट की। अब वेबसाइट दो तरह की होती है, स्टैटिक होती है, एक डायनेमिक होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है। अगर आपको कभी भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आते हैं तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट जो होती है, स्टैटिक वेबसाइट इज़ द बेसिक टाइप ऑफ वेबसाइट। ये एक बेसिक वेबसाइट है दैट इज़ ईजी टू क्रिएट। हम इसे ईजीली क्रिएट कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू नॉलेज ऑफ वेब प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस डिज़ाइन टू क्रिएट स्टैटिक वेबसाइट। हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई भी डेटाबेस की डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत ही ईजिली स्टैटिक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ ए वेब पेज और कोड इन HTML। हम इसे HTML से लिख सकते हैं, CSS से इसकी डिज़ाइन कर सकते हैं, JavaScript से थोड़ा बहुत लुक इसका अच्छा कर सकते हैं। तो बेसिकली हम HTML, CSS और बूटस्ट्रैप टाइप का यूज़ करके एक स्टैटिक वेबसाइट को बहुत ही अच्छी हम शो कर सकते हैं एक आपकी तरफ से। तो आप किसी भी क्लाइंट को अगर स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते। द कोड आर फिक्स टू ईच पेज टू इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द पेज डज नॉट चेंज एंड लुक लाइक इज अ प्रिंटेड पेज। बिल्कुल एक बुक की तरह होता है, जैसे कि एक बुक हो गई आपके पास, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो जब वहाँ से जब राइटर वहाँ से चेंज करेगा तो दोबारा जो नई बुक आएगी तो वो उस पर वो चेंज दिखेगा। तो जब तक हम इस वेबसाइट को अपडेट नहीं करते हैं, कोड में जाके पर्टिकुलर पेज पे जाके हम उस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे, तब तक वो सारे यूज़र को वही दिखेगा। हम इसको डेली बेसिस पे चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ही बड़ी वेबसाइट है तो ये नहीं चेंज करवाएं। जो भी चीज़ें हैं उसको हम एज ए पोस्ट देख सकते हैं, एज ए बुक की तरह पढ़ सकते हैं, एज ए प्रिंटेड पेज की तरह हम उसको देख सकते हैं, जो कि हमेशा अगर उसको चेंज ना करें तो वो वैसा के ही वैसा रहेगा और हमें इसे इजीली चेंज नहीं कर सकते। बहुत ही इजी है स्टैटिक वेबसाइट को डेवलप करना, किसी भी इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर दो पर हमारा जो सेकंड है स्टैटिक वेबसाइट के बाद डायनेमिक वेबसाइट आता है। तो डायनेमिक वेबसाइट में क्या चीज़ें होती हैं? कॉन्टेंट इज़ जनरेट क्विकली एंड चेंज रेगुलरली। हम बहुत ही क्विकली इसको जनरेट कर सकते हैं कंटेंट को, और इसे चेंज भी कर सकते हैं। जो भी कंटेंट को हम डालना चाहते हैं, जैसे कि एक फेसबुक हो गया, एक इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया, जो एक अगर इसकी वेबसाइट की बात करें तो ये डायनेमिक वेबसाइट है। सपोज़ दैट हम कोई गवर्नमेंट का फॉर्म होता है, उसको हम जब फिल करते हैं, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स आते हैं, एडमिशन के फॉर्म्स आते हैं, तो उस पर जो भी फॉर्म्स में हम डिटेल्स फिल करते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं तो वो जो डेटा जाता है वहाँ पर दिखता है, वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। तो इस तरह को हम कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट। और डायनेमिक वेबसाइट इज अ सर्वर साइड लैंग्वेज होती है, सच एज PHP, सर्वलेट, JSP एंड SP.NET, और भी बहुत सारी वेबसाइट वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि जावा है, पाइथन वगैरह को यूज़ कर सकते हैं आप, इस तरह की बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जावा स्क्रिप्ट के भी आप यूज़ कर सकते हैं एज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिव लैंग्वेज के लिए। तो अलग अलग वेबसाइट के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा वेबसाइट को यूज़ अगर डेवलप किया जाता है तो सर्वर साइड जो स्क्रिप्टिव लैंग्वेज है वो PHP का यूज़ करते हैं।